ओरियो बिस्किट सभी के सबसे फेवरेट बिस्किट है और आज हम इसमें से इंस्टेंट केक बनाएंगे। और ये केक को हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनाने वाले हैं और वो भी हम पैन में बनाएंगे। श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 बड़े साइज़ के चोको क्रीम वाले ओरियो बिस्किट्स लेने हैं। सभी बिस्किट को हमें बाउल में निकालना है। अब हमें ये सभी बिस्किट में से बीच में जो चोको क्रीम है वो हमें अलग से निकाल लेना है। तो जितने भी बिस्किट्स हैं वो सभी बिस्किट्स में से हमें ये चोको क्रीम निकालना है और बाकी के जो बिस्किट्स हैं हमें इसे अलग कर देना है। अब हम ये जो बिस्किट है उसमें से हम केक बनाएंगे और हम इसमें से जो चोको क्रीम निकाल रहे हैं इसे हम आइसिंग की जगह पे यूज़ करेंगे। ये सभी बिस्किट को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका हमें फाइन पाउडर बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइन पाउडर हमने तैयार कर दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये केक सिर्फ 3 चीज़ों में से बन रही है। तो इसमें सबसे पहले हमने ओरियो लिया है, दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा बेकिंग पाउडर है, वो हमें इसमें 1 टीस्पून डालना है। एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है शुगर पाउडर। अगर आप चाहें अगर स्वीट टेस्ट चाहिए ज़्यादा तो 1 टीस्पून जितना इसमें मिला लें और फिर इसे मिक्स कर दें। अब इसमें हम मिल्क डालेंगे 1/2 कप, लेकिन मिल्क को हमें एक साथ नहीं डालना है, पहले 1/4 कप डालना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर अगर ज़रूरत पड़े वैसे थोड़ा थोड़ा करके बाकी का मिल्क हमें डालना है। अब हम बाकी का थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध जैसे जैसे हमें लगता जाए वैसे हमें इसमें डालते जाना है और हमें जो चाहिए वैसे कंसिस्टेंसी पे लाना है और इसे अच्छे से नॉनस्टॉप हिलाते रहना है ताकि अच्छे से सब मर्ज हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो बाकी का जो दूध था वो पूरा इसमें डाल दिया है और इसे परफेक्टली एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ओरियो के केक बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी केक को जो हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल गई है। सेम ऐसे ही कंसिस्टेंसी पे हमें बैटर को लाना है। अब हमें एक नॉनस्टिक पैन लेना है और वो पैन में सबसे पहले हमें ऑयल या बटर कुछ भी इसमें लगाना है और इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। अब हमें गैस की धीमी आंच रखनी है और इसमें जो बैटर था वो पूरा बैटर इसमें डाल देना है और इसे हल्के आंच से इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। सेम ऐसे ही हमें इसे स्प्रेड कर देना है और इवन बनाना है। अब हमें केक को ढक के रखना है और स्लो गैस पे यानी कि लो फ्लेम के ऊपर हमें 8 से 10 मिनट तक इसे रखना है। अब हमने ओरियो में से जो क्रीम निकाला था उसमें हमें व्हिप क्रीम डालना है 1 टेबलस्पून जितना। अब इसे हमें नॉनस्टॉप फेंटना है और अगर आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रिक बीटर आता है वो भी इसमें यूज़ करके इसके अच्छे से फुला सकते हैं। जब ये अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सेट हो जाए, फिर इसे हमें फ्रीज में चिल होने के लिए रख देना है कम से कम 30 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट हो गई है और इसे हमें टूथपिक या नाइफ से चेक करना है। अगर साफ निकले तो हमारी केक रेडी हो गई है। ये फ्रेंड्स, हमारी केक कितनी फास्ट रेडी हो गई है और सिर्फ 8 मिनट में हो गई है। और इसमें ध्यान हमें ये रखना है कि नीचे से ये हमारी जल ना जाए। ओरियो की इंस्टेंट केक सिर्फ 8 से 10 मिनट में हमारी तैयार हो गई है और ये एकदम सुपर स्पॉन्जी और मॉइस्ट वाली अच्छी से बनी है। तो आप ये केक को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसमें हम आइसिंग लगाएंगे और अच्छा शेप देंगे तो दिखने पे और खाने में दोनों में अच्छा लगेगा। तो इसे हम स्क्वायर शेप दे रहे हैं। अब इसे हमें चारों बाजू से कट करके स्क्वायर शेप बना दिया है और ये शेप को भी हमें यूज़ ही करना है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप डाल के भी इसे बच्चों को सर्व कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से बीच में से परफेक्टली मिडल लेना है और इसके बाद इसे हमें कट करना है ताकि हम एक दूसरे के ऊपर ये 2 लेयर में रख सकें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। अब सबसे पहले हम बेस पार्ट रेडी करते हैं। तो एक पार्ट के ऊपर हमें या तो फिर चॉकलेट गनाश डालना है या फिर चॉकलेट का सिरप डालना है। अभी मेरे पास चॉकलेट सिरप अवेलेबल था तो मैंने वो डाला है। अगर गनाश है तो उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि गनाश में थोड़ी थिकनेस रहती है।
सिरप थोड़ा सा पतला रहता है, और इसके ऊपर हमने जो ओरियो क्रीम का जो बनाया था वो वाला क्रीम इसमें डाल देना है और अच्छे से इवनली इसे स्प्रेड कर देना है। और इसके ऊपर हमने जो दूसरा पार्ट बनाया है वो पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर फिर से हम चॉकलेट सिरप या गनाश डालेंगे। वो सब इसके अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमने जो चोको क्रीम का जो क्रीम बनाया था व्हिप क्रीम डाल के, वो इसके ऊपर हमें बाकी का जितना भी है वो पूरा इसके ऊपर हमें स्प्रेड कर देना है। सबसे पहले हमें ऊपर डाल देना है और बाकी का थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे साइड में लगा देना है। जितना हो सके उतना ऊपर ही बराबर से स्प्रेड कर दे, बाकी का थोड़ा थोड़ा आप साइड में लगाएंगे तो चलेगा। अब इसमें हमें डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन करने के लिए मैंने इसमें वाइट चॉकलेट की फ्लेक्स ली है और चॉकलेट की वर्मीसेली ली है। अगर आप चाहें तो वर्मीसेली की जगह पे आप इसमें चोको फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और ये सभी से इसे अच्छे से गार्निश करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसमें जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और लुक भी बढ़ जाता है, तो बच्चों को पसंद आता है, तो इसे देख के ही खुश हो जाते हैं। और ये जितने दिखने में सुंदर है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अब ये केक को हम बीच में से कट करेंगे और कट करने के बाद इसे हमें सर्व करना है। देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनी है और एकदम आसान है, छोटे बच्चे भी ये केक को बना सकते हैं, वैसे एकदम आसान तरीका है। इसमें हमें जो सामग्री बनाने में लगी है वो भी सिर्फ 3 है, बनाने का टाइम भी कम है, तो ये केक बनाना सबसे इजी है और इसमें कोई लंबी चीज़ ओवन कुकर कुछ नहीं चाहिए। आप आपका घर का कोई भी नॉनस्टिक पैन लो और उसमें आप बना लो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। और हमने जो ओरियो बिस्किट लिया है उसी में से ये बन जाता है। तो आप अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टेंट ओरियो 3 इंग्रेडिएंट वाली केक को आप घर पे बनाइए और वो भी पैन में, और आपके अनुभव शेयर कीजिए।